हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी क्लास है वैसे तो बेसिकली टेक्निकल की है, जो आईटी के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास है हम लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा हमने वीक के 3 दिन में जनरल साइंस की क्लासें भी स्टार्ट की है। हमने पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे थे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, जो पारिस्थितिकी है और पारिस्थितिक तंत्र है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, इसलिए मैं आपको ये दोनों टॉपिक साथ में करूँगा और उसके बाद क्वेश्चन की PDF भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स आज हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। पारिस्थितिकी क्या होता है फ्रेंड्स? जीव का उसके वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पारिस्थितिकी बोलते हैं, ये हमें पता है। तंत्र में क्या होता है? तंत्र में क्या चीज ऐड होगी कि उसका वातावरण के साथ अन्य जीवों के साथ उसका संबंध, क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि किसी जीव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन तथा उसका अन्य जीवों के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक नदी की, बात करता हूँ नदी में कोई मान लो जीव पाया जाता है तो वो क्या एक पारिस्थितिकी है। ठीक है फ्रेंड्स, नदी में कोई जीव पाया तो वो पारिस्थितिकी है, लेकिन नदी के अंदर बहुत सारे जीव भी पाए जा रहे तो वो पूरी पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा, क्योंकि उस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या क्या है, पादप भी होंगे, अलग अलग तरह के जीव भी होंगे, अलग अलग जानवर होंगे, उसमें मछलियां होगी, तो वो अलग अलग तरह के जीव होंगे, तो उसी को पूरा क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र के हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है? तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? किसी जीव का वातावरण के साथ संबंध, किसी जीव का वातावरण के साथ संबंध तथा अन्य जीवों से उसका संबंध पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तंत्र को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इसको पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में? इकोसिस्टम। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र यानी सिस्टम, यानी कि भाई एक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, नदी में कोई जीव पाया जा रहा है, बहुत सारे के जीव पाए तो वो क्या पूरा पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अगर पारिस्थितिकी की बात करूं तो पारिस्थितिकी में क्या होगा? खाली एक नदी होगी। अब नदी में मान लो कोई जीव होगा तो वो खाली वही खाली पारिस्थितिकी होगा, लेकिन जब तंत्र की बात है तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया पारिस्थितिक तंत्र में कि किसी जीव का वातावरण के साथ संबंध और उसका अन्य जीवों से उसका संबंध या फिर उनका अध्ययन क्या करता है फ्रेंड्स? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ये होता है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी की अगर बात आती है तो जीव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन तो वही क्या कहता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तंत्र में क्या होगा कि उसका जीव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन और अन्य जीवों से उसका संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यानी मैं बात करूँ कि कोई नदी है, नदी क्या है? पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों है? क्योंकि नदी में जल है, जल के अलावा पादप है तो वो एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। यानी कि मैं बात करूँ अगर छोटी मछली है तो छोटी मछली क्या होती है? अपना जो पोषण है वो क्या करती है भाई? कोई ना कोई छोटे छोटे जीवाणु वगैरह होते उनको खाके प्राप्त होती है, या फिर जो पादप आए उनको खाकर प्राप्त करते हैं अपना पोषण। लेकिन वही मैं बात करूँ बड़ी मछली की तो बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खाती है तो वो उसका पोषण प्राप्त करती है उनसे, तो वही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स सन 1935 में एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? टांसले नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? टांसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की खोज की थी। पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने की थी? तो की थी 1935 में टांसले नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो फ्रेंड्स हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देख लिया, पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, उसकी खोज किसने की। तो पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने की थी फ्रेंड्स?
टांसले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार किस तरह के होते हैं फ्रेंड्स? दो तरह के होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है इसका प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ये बस ये इसके प्रकार ही है पारिस्थितिक तंत्र के। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन सा तंत्र आएगा? जो प्रकृति द्वारा बनाया, नेचुरल बनाया, जैसे कि मैं बात करूं नदी, तालाब, ठीक है, नदी तालाब और उसके अलावा समुद्र भी हो सकता है। तो ये सारे क्या प्राकृतिक स्रोत है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कृत्रिम स्रोत की। ठीक है, तो कृत्रिम में क्या आता है? पार्क, मैदान, ये सारे क्या होता है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि पार्क वगैरह और जो मैदान है, मैदानों में जो पाई जाती है वनस्पति वगैरह, आप देखते हैं कि भाई पार्क वगैरह में फूल वगैरह लगे तो उनको उगाने काम कौन करता है? इंसान ही करता, तो वो कृत्रिम है। लेकिन उसमें कोई ना कोई पादप तो पाया जाता है, वो क्या एक तरह का इकोसिस्टम ही है। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये समझ में होगा। अब फ्रेंड्स बात कर रहे थे पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में, बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसके घटक कौन कौन होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पारिस्थितिक घटक बताया था, उसमें जैविक और अजैविक थे, उसके वो साधन थे सारे, वो क्या थे? घटक थे। यहाँ पर हम पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात करें तो इसके भी दो घटक है। कौन कौन से हैं इसके दो घटक है फ्रेंड्स? पहला है जैविक, जैविक घटक। दूसरा क्या है? अजैविक घटक। पहला कौन सा है? जैविक घटक। दूसरा कौन सा है? अजैविक घटक। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के प्रकार है, जैविक और अजैविक। अब हम इसका डिटेल से देख लेते हैं कि जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटक फ्रेंड्स क्या होता है? जैविक घटक में क्या आएंगे? वनस्पति और जीव आएंगे, यानी वनस्पति को हम पादप समझ सकते हैं, पादप और जीव आएंगे। तो इसके अंतर्गत जैविक घटक के अंदर क्या आएंगे? वनस्पति तथा जीवों का समूह आता है, जीवों का समूह आता है। अब फ्रेंड्स जो जैविक घटक होते हैं इनको भी हम आगे वर्गीकृत करते हैं, जो जैविक घटक है उनको भी हम क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। तो इनको हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें निम्न भागों क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत करते हैं। तो इनका हम पढ़ लेते हैं वर्गीकरण सीधा ही, ठीक है। तो इनका वर्गीकरण कैसे होता है? तो इनका वर्गीकरण होता है, पहली तो बात होता है, सबसे पहले क्या होती है? उत्पादक। इनका वर्गीकरण कैसे होता है? उत्पादक। इसी में फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे वर्गीकरण में कि उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है, आप उसमें ये भी पढ़ेंगे कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा, द्वितीय उपभोक्ता कौन सा, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है। तो ये इसी के अंतर्गत आता है वर्गीकरण, किसका? जैविक घटक का जो वर्गीकरण है उसी के अंतर्गत ये उपभोक्ता वगैरह आता है। तो फर्स्ट पहले बात कर लेते उत्पादक वर्ग की। अब फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले जैविक घटक का, ये क्या है? जैविक घटक के अंदर क्या है? उसका वर्गीकरण है, ठीक है फ्रेंड्स। जैविक घटक का ये वर्गीकरण है कि उत्पादक वर्ग में है, उपभोक्ता में, अपघटक में। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देख रहे हैं उत्पादक वर्ग में क्या आता है। उत्पादक पादक, उत्पादक जो वर्ग है यानी कि इसको हम प्रोड्यूसर क्लास भी कह सकते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें हरे पादप यानी कि पेड़ पौधे, इनमें क्या आते हैं? हरे पादप आते हैं। उत्पादक वर्ग के अंदर फ्रेंड्स क्या आते हैं? हरे पादप आते हैं। इनको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? हरे पादप को स्वपोषी कहते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात कह देता हूँ, इसमें नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि
स्वपोषी का मतलब भी क्या होता है कि स्वयं बनाना भोजन, यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, यानी कि जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाए वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाता है। तो उत्पादक वर्ग को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी वर्ग भी बोलते हैं। उसके अलावा ये स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो वर्ग अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये अपना भोजन किसके प्रभाव में बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के प्रभाव में बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वर्ग यानी कि इस वर्ग के अंतर्गत जो हरे पादप पेड़ पौधे आते हैं, इस वर्ग की बात हो रही है। तो ये वर्ग जटिल सॉरी ये वर्ग सरल कार्बनिक पदार्थों को, फ्रेंड्स ये जो टर्म है यहाँ पर, ये जो टर्म आती है ये इंपॉर्टेंट होती है, इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो जैसी डेफिनेशन दिखाई जा रही है वो इम्पोर्टेंट है, आपको मैं समझा भी रहा हूँ साथ में, लेकिन डेफिनेशन भी आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे पारिस्थितिक तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है, तो एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको डेफिनेशन वैसे ही याद करनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वर्ग सरल कार्बनिक पदार्थों को, सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यानी फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि इस उत्पादक वर्ग जो होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थों क्या करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जिससे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या करता है कि भाई सरल कार्बनिक पदार्थ यूज करता है, जैसे कि पादप ज्यादा यूज नहीं लेता, जैसे कि नॉर्मली ये क्या करता है, किसको ग्रहण करता है, ये क्या करता है H2O प्लस में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, जिससे किसका निर्माण होता है, ये सारी प्रोसेस क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। तो उसकी अब ये सारे पदार्थ क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सरल कार्बनिक पदार्थों से क्या बनाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों में या तो ग्लूकोज हो सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट। वैसे फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो ग्लूकोज जो होता है ना, मानव में ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन जो पादप है, पादप हमेशा कार्बोहाइड्रेट का ही निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स ये जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, किसको, सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों बदलने का काम कौन करता है, तो उत्पादक वर्ग करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उत्पादक वर्ग क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पादक वर्ग क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, कैसे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। उसके बाद ये क्या काम करते हैं कि ये सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उपभोक्ता, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, उपभोक्ता वर्ग, नेक्स्ट कौन सा वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग। मैंने आपको उत्पादक वर्ग के बारे में, उत्पादक वर्ग में कौन सा आएंगे, हरे पेड़ पौधे यानी कि हरे पादप आएंगे। सेकंड नेक्स्ट बात कर रहे थे उपभोक्ता, ये क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होता है कि ये स्वपोषी नहीं होते, पहली बात तो ये स्वपोषी नहीं होते, ठीक है, यानी कि ये भोजन अपना निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर क्या रहता है फ्रेंड्स, निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता वर्ग जो होता है वो स्वपोषी नहीं होते। एक फ्रेंड्स आपको एक चीज और बताता हूं मैं, यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ग के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उत्पादक वर्ग के अंदर होती है या उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत होती है, तो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो उपभोक्ता वर्ग क्या नहीं होता है, स्वपोषी नहीं होते, यानी कि अपना भोजन निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, दूसरी बात अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इनको पोषण दूसरों से प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स इसका उपभोक्ता को तीन, उपभोक्ता वर्ग को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, पहली बात तो पहला तो प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको उपभोक्ता वर्ग बता दिया कि उपभोक्ता वर्ग क्या होता है। तो फ्रेंड्स उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता वर्ग को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, उपभोक्ता जो वर्ग होता है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, पहला तो होता है प्राथमिक
दूसरा तो दीतेक और तीसरा कौन सा था फ्रेंड्स? तिष्टेक, उपभोक्ता होता है। तो पहला उपभोक्ता को हम निम्न तीन भागों में बांटते हैं, पहला तो प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। तो अभी इनका हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या, द्वितीयक और तृतीयक, क्योंकि ये एग्जाम के रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो रीट हो, चाहे रेलवे का हो। तो ये चीज हमारे को ध्यान से देखनी है। अब फ्रेंड्स बात कर रहे थे प्राथमिक उपभोक्ता की। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है कि वे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए उत्पादक वर्ग पर क्या होता है, निर्भर रहते हैं। उत्पादक वर्ग यानी कि हरे पेड़ पौधे या फिर हरे पादप। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करेंगे, जो स्वपोषी जो होते हैं उन पर निर्भर करेंगे। स्वपोषी यानी कि वही बात होगी, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि कौन सा वर्ग हो गया, उत्पादक वर्ग। तो ये अपने भोजन के लिए या फिर ये अपना भोजन उत्पादक वर्ग से प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन उत्पादक वर्ग से प्राप्त करते हैं। पहली बात क्लियर होगी कि ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, उत्पादक वर्ग से। यानी कि उत्पादक वर्ग का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, उत्पादक वर्ग से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हम उदाहरण देख लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो भी शाकाहारी जो होंगे, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो क्या होंगे, प्योरली शाकाहारी होंगे, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों को खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को, ठीक है। तो इस वर्ग में इस वर्ग के उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो आप ऐसा एग्जाम पूछा जा सकता है कि किस वर्ग के उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक वर्ग के जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, इनको साथ में नोट डाउन भी करते जाए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमारे को बस नोट सुनाने और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है घूम फिरा कर, इस टॉपिक में से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का यही तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं कि इस वर्ग के उपभोक्ता क्या होते हैं। तो इस वर्ग के जो उपभोक्ता होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इस वर्ग के उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो ये यहाँ पर टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ग के उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक वर्ग के जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, ये उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं। अब फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी स्तनधारी होते हैं, लगभग स्तनधारी की मैं सारे की बात नहीं कर सकता, लेकिन जो पेड़ पौधे खाते हैं वो सारे शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे इसके एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले है गाय, बकरी, ठीक है, और उसके अलावा चूहा भी हो सकता है, गाय बकरी चूहा। तो ये सारे क्या होते हैं, प्राथमिक वर्ग के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, गाय बकरी चूहा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है खरगोश, बहुत सारे जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई कीट वगैरह हो सकता है, कीट। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कुछ कीट क्या होता है, परभक्षी भी होता है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ जीव क्या होता है, परभक्षी भी होता है, घटक का भी कार्य करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये कीट कौन से कीट है जो कि पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर कीट अगर आ जाए एग्जाम में, तो कीट हो सकता है कि परभक्षी के लिए, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर खरगोश वगैरह दे रहे ऑप्शन में, ठीक है, अगर खरगोश दे रखा आपको एग्जाम में ऑप्शन में, उसके अलावा ठीक है आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, जैसे चार ऑप्शन की बात करता हूँ, दूसरे दो और भी आ जाएंगे। उसके अलावा आपके एक प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश आ सकता है, ठीक है, और दूसरे साथ में कीट भी आ सकता है। तो दोनों साथ में नहीं दे सकते, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन देगा, क्योंकि कीट क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर कीट दूसरे तरह के भी होते हैं, क्योंकि कीट के भी कई प्रकार होते हैं।
तो कुछ तरह के कीट क्या होते हैं, परभक्षी भी होते हैं। मैंने आपको कंपोजर के बारे में कल बताया था, ठीक है, परभक्षियों के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि परभक्षी अपना भोजन क्या करता है, सड़ी गल वस्तुओं से प्राप्त करता है, तो उस तरह के कीट भी होते हैं। लेकिन ये कीट कौन से कीट है, मधुमक्खियां वगैरह की बात करूँ, मधुमक्खियां वगैरह क्या है, फूलों से अपना रस प्राप्त करती है, उससे उनका पोषण होता है, तो उन कीटों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद आपको ये चीज समझ में होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की। आपको प्राथमिक उपभोक्ता में उम्मीद अच्छे समझ में होगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, स्वपोषियों से प्राप्त होते हैं। स्वपोषी यानी कि उत्पादक वर्ग से, यानी कि सीधी बात यह है कि पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की। इस वर्ग के जीव, इस वर्ग के जीव अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि इस वर्ग के जीव जो होंगे, प्राथमिक श्रेणी के जो जीव है उनको खाकर अपना पोषण प्राप्त करेंगे, सीधी सी बात ही है पर, ठीक है। तो इस वर्ग के जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस वर्ग के जीव क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इस वर्ग के जीव क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। यहां पर एक मैं आपको इंपोर्टेंट चीज और बताता हूं, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत सर्वाहारी भी आते हैं, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत वे जीव भी आते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। द्वितीयक वर्ग को सर्वाहारी वर्ग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं कि इस वर्ग को सर्वाहारी भी कहते हैं, ठीक है। अब सर्वाहारी क्यों कहते हैं, इसका रीजन सुन लीजिए आप। सर्वाहारी कहने का मतलब यह है कि जो अपना भोजन पेड़ पौधे और किससे प्राप्त कर सके, अन्य जीवों से प्राप्त कर सके। तो आपका अटेंशन सही जा रहा है, हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, यानी खुद की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी प्राणी है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पास है कि मनुष्य कैसा प्राणी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है, तो आपको पता है मनुष्य कैसा प्राणी है, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होगा। मनुष्य कैसा उपभोक्ता होगा, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता, क्योंकि द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी भी कहते हैं। अगर आपको प्राथमिक श्रेणी द्वितीयक श्रेणी नहीं दे रखी हो, या फिर ऐसे दे दे कि प्राथमिक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी और सर्वाहारी, तो आप वहां पर क्या करोगे, सर्वाहारी वर्ग करोगे, क्योंकि सर्वाहारी सही है। और इस वर्ग को क्या कहते हैं, हम सर्वाहारी वर्ग कहते हैं। तो द्वितीयक वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, मनुष्य आता है, तो द्वितीयक वर्ग को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये चीज समझ में आ गई। मानव की बात की है, ठीक है, तो मानव द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी कि सर्वाहारी भी कह सकते हैं हम। कैसे सर्वाहारी है, आप सुन लीजिए। मानव अपना पोषण पादप से भी प्राप्त करता है और जीवों को मार के भी खाता है, ठीक है। तो मानव सर्वाहारी प्राणी है, मानव पादप से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और जीवों से भी प्राप्त करता है। तो मानव कैसा प्राणी है, तो मानव सर्वाहारी प्राणी है। और अगर पूछ ले कि कौन से उपभोक्ता है, कौन से कंज्यूमर के अंतर्गत आता है, तो मनुष्य द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। अगर उपभोक्ता में साथ है तो ये चीज आने की आपके सांस रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से जीव आता है। तो पहली बात, कीट को खाने वाला मेंढक, ठीक है, चूहे को खाने वाली, चूहे को खाने वाली बिल्ली, ठीक है। तो ये जीव क्या है, द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो कीट है, कीट क्या है, कीट मैंने आपको बता दिया, कीट क्या है, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता है। तो उसको खाकर मेंढक क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। चूहा क्या है, चूहा प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, क्योंकि चूहा क्या करता है, अनाज वगैरह खाता है, ठीक है, पादप को भी नुकसान पहुंचाता है। तो उसको खाने वाली क्या है, बिल्ली है, तो वो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता भी। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है,
अब ये बिल्ली हमारे को तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत है, लेकिन बिल्ली भी एक तरह से सर्वारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली क्या करती है, बिल्ली सर्वारी कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि बिल्ली भी दूध पीती है, ठीक है, बिल्ली दूध भी पीती है और बिल्ली क्या करती है, चूहे को भी खाती है। तो ये हो सकता है कि बिल्ली भी सर्वारी के अंतर्गत हो, लेकिन हम ज्यादातर एग्जाम में यही देखते हैं कि मानव ही सर्वारी में आता है, ठीक है। तो बिल्ली भी हो सकती है सर्वारी, क्यों? बिल्ली की हमारे पता है बिल्ली क्या करती है, दूध भी पीती है बिल्ली, ठीक है, कभी कभी रोटी भी खाती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके उदाहरण है, ठीक है। मेनली आपको ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखने की कीट को खाने वाली मेंढक और चूहे को खाने वाली बिल्ली क्या होंगी, द्वितीयक श्रेणी की उपभोक्ता होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता की, ठीक है। बात करें तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की, तो तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होती है, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता है वो प्राथमिक द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पर कि सांप है, ठीक है, तो सांप की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जैसे हम फ्रेंड्स बात कर रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर कि मेंढक को खाने वाला सांप, ठीक है, मेंढक को खाने वाला सांप किसके अंतर्गत, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत, क्योंकि प्राथमिक श्रेणी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से कौन सा कौन भोजन प्राप्त करता है, तृतीय श्रेणी के करता है। तो हमारे पता है कि मेंढक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक है, मेंढक किसको किसे अपना भोजन प्राप्त करता है, मेंढक जो स्वपोषी यानी कि सॉरी जो मेंढक जो होता है प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मेंढक को खाने वाला सांप किसका उदाहरण होगा, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें इसके अंतर्गत मैं आपको एक चीज इंपोर्टेंट बताता हूँ कि इस वर्ग के जीव शीर्ष मांसाहारी होते हैं, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो फ्रेंड्स पूछ ले कि किस वर्ग के जीव शीर्ष मांसाहारी होते हैं, तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर की तीन ही श्रेणियां हैं, ठीक है, इको सिस्टम अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उपभोक्ताओं की तीन ही श्रेणी कौन कौन सी, पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक और तीसरी तृतीयक। तो प्राथमिक श्रेणी द्वितीयक, प्राथमिक में तो खाली क्या आएंगे, शाकाहारी जीव आएंगे, द्वितीयक के अंदर क्या आएंगे, मांसाहारी, लेकिन तृतीयक श्रेणी के अंदर क्या आता है, शीर्ष मांसाहारी आता है, क्योंकि शीर्ष मांसाहार क्योंकि इस वर्ग के जीव को अधिकतर को कोई खाके कोई मार के खाता नहीं है, ठीक है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो शेर, बाघ वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, शीर्ष मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल में पूछा ही जाता है एग्जाम में, मोर का एग्जाम्पल, ठीक है, तो मोर का तो कई बार पूछा हुआ ही एग्जाम में कि मोर किस श्रेणी का उपभोक्ता है, तो मोर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है क्योंकि, ठीक है, तो शेर, बाघ, मोर ये क्या है, शीर्ष मांसाहारी ही है, ठीक है। तो इस वर्ग के जीव क्या होते हैं, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो किस वर्ग के जीव शीर्ष मांसाहारी होते हैं, तृतीय वर्ग के जो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र वाला पूरा नहीं हुआ है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी हमने इस क्लास में कंज्यूमर की जो श्रेणी है वो पढ़ी है, उसके आगे हम अपघटक वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।